नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। 2024 के मद्देनजर सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इस काम में भारतीय जनता पार्टी तो सबसे अग्रणी। बीजेपी पहले ही ये काम शुरू कर चुकी है और इतने जोर शोर से कर रही है कि उसका प्लान पहले से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में भी प्लान तैयार है और दीदी को कैसे मात देनी है ये पहले से फुल प्रूफ भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। और इसी मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज बंगाल पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे और दोनों जब बंगाल गए और आज जो बंगाल में दिन भर उन्होंने किया, ऐसी एक बिसात बिछा दी कि जिसके बाद ममता बनर्जी भी परेशान हो गई होगी, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें ममता बनर्जी का मुंह की खाना तय है और दीदी ये समझ चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमित शाह किस तरह से जब यहां पहुंचे तो भारी संख्या में जनता मां मौजूद थी, उन्होंने अमित शाह का अभिवादन किया। अमित शाह इस दौरान जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में आज हिस्सा लिया। इसके साथ वे आईटी और सोशल मीडिया मीट में भी शामिल हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि बंगाल में सोशल मीडिया का बड़ा महत्व है और ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, ममता के कुशासन को जितना लोगों के बीच ले जाएंगे उतनी ही हमें लाभ मिलेगा, इसीलिए सोशल मीडिया का बड़ा महत्व है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी अपने कार्यकर्ताओं को बताई कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे दीदी के कुशासन को जनता के बीच ले जाना है। और इसलिए भी सोशल मीडिया का ज़्यादा महत्व है बंगाल में, उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पर दीदी के कुशासन के वजह से यहाँ का मीडिया जो है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दीदी के डर के वजह से और पैसों की वजह से बीजेपी की बात जन जन तक नहीं पहुँचाते, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि सोशल मीडिया के जरिए बंगाल के हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का मिशन जो है वो पहुँचना चाहिए। और अमित शाह ने ये भी कहा कि इस बार हमें बंगाल से 35 सीटें बीजेपी के खाते में लानी है, 35 कमल जिताकर केंद्र को, मोदी जी को समर्पित करने हैं। तो उन्होंने कहा, पिछले बार आपको बता दें कि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीती थी 2019 के चुनाव में, और इस बार जो है वो लक्ष्य 35 सीटों का है। और उसके पीछे की रणनीति भी अमित शाह ने बताई। उन्होंने कहा कि जब पिछले बार के विधानसभा चुनाव में 0 से 77 सीटों पर अगर हम आ सकते हैं तो ये 18 से अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 35 सीटें जितना गेन हमने लिया है, तो इसलिए 35 सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल में हम जीतेंगे, ये तय है। उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनको जीत के गुर बताएं और उन्होंने गुरुद्वारे में और कालीकट मंदिर के दर्शन भी किए इस दौरान। और इसके बाद उन्होंने एक तरह से चुनाव का शंखनाद यहाँ पर कर दिया, ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो जब ममता जी का शासन आया बंगाल में तो लोग कहते थे कि वामपंथियों के शासन से मुक्ति के लिए ममता दीदी को लाया था और कहा था कि वामपंथियों के कुशासन से हमें मुक्ति मिली है, लेकिन अब जब ये पश्चिम बंगाल के लोग ममता का शासन देखते हैं तो उन्होंने कहा कि अब कहते हैं कि वामपंथी, इससे बढ़िया तो वामपंथियों का ही शासन था। तो ये जो है अमित शाह ने आज दिन भर किया, लेकिन अमित शाह ने एक और रणनीति यहाँ पर बनाई। पश्चिम बंगाल की कमान उन्होंने खुद अपने हाथ में रखी। दीदी के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब यही है कि अमित शाह खुद बंगाल में अपने हाथ में बंगाल बीजेपी की कमान उन्होंने रखी है और यहाँ पर जो संगठन में उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है, एक नई कोर कमेटी का उन्होंने गठन किया, एक चुनाव प्रबंधन कमेटी भी बनाई है। और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, वो कलकत्ता में बंगाल दौरे पर है और कलकत्ता में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ जो है बैठक की। तो जो 2022 में एक 24 सदस्य वाली कोर कमेटी बनाई थी उसको खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह 14 सदस्य वाली नई कोर कमेटी और 15 सदस्य वाली चुनाव कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। और 15 सदस्य वाली जो चुनाव कमेटी है और नई कोर कमेटी है उसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। तो एक तरह से वो कमान अपने हाथ में बंगाल में रखना चाहते हैं। और अमित शाह और जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर जब कोलकाता पहुंचे तो यहाँ उन्होंने एमजी रोड पर जो गुरुद्वारा है उसमें और कालिक घाट के मंदिर में दर्शन किया और फिर इन्होंने राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ लंबी मंत्रणा की
नई चुनाव कमेटी के जो सदस्य है उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, जिसमें इस कमेटी में सुकांता मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, आशा लकरा, सतीश धन, मंगल पांडे, अमित मालवीय को भी रखा गया है जो आईटी सेल के वो है, लॉकेट चटर्जी, दिलीप घोष, अमित चक्रवर्ती और चार महासचिवों को इसमें जगह दी गई है। जो नई लोकसभा चुनाव समिति का गठन 2024 में किया गया है इसमें जॉन बारला, निशित प्रमाणिक, देवश्री चौधरी, शांतनु ठाकुर, मनोज तिग्गा, सुभाष सरकार, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम हाजरा, अनिर्बान गांगुली, स्वप्नदास गुप्ता जैसे नेता और सांसद बैठक से अनुपस्थित रहे, गैर हाजिर रहे क्योंकि उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती तो कल रात सुकान मजुमदार को उन्होंने फ़ोन किया था और बताया था कि स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से USA में है और वो बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दिलीप घोष की बात करें तो वे अनुभवी है इसलिए अमित शाह ने सुकांत मजुमदार से उन्हें महत्व देने और उनके अनुभव का उपयोग करने के लिए कहा है। अब सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि 6 से 7 सांसदों के जो है लोकसभा चुनाव के लिए टिकट काटे जा सकते हैं, वहाँ पर टिकट नहीं मिल सकता है और 15 से 20 जो स्थायी विधायक है उनको टिकट दिया जा सकता है, जिसमें सरकार घोष और अग्निमित्रा पॉल जो है इनके नाम भी है, इनको भी टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक 5 से 6 विधानसभा सीटों के क्लस्टर के तौर पर लिया जाएगा और इन ग्रुप्स के बीच समन्वय होगा। अमित शाह, JP नड्डा, PM मोदी क्लस्टर में इन जगहों का दौरा करेंगे, ये पूरा प्लान वहाँ पर बनाया गया है। दरअसल अब आप कहेंगे कि ये फैसला क्यों लिया अमित शाह ने, तो इसके पीछे की जो बड़ी रणनीति है, जो मुंबई की सेफोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसकी जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें पता चला है कि बंगाल में BJP की स्थिति जो है उतनी उत्साहजनक नहीं है, इसलिए ये नई कमेटी उन्होंने बनाई है और इसमें सुनील बंसल, आशा लकड़ा और अमित मालवीय को जगह दी गई है। और साथ ही साथ जो BJP की बंगाल में अंदरूनी लड़ाई है उससे भी BJP बहुत चिंतित थी, इस वजह से अमित शाह खुद वहाँ मोर्चा संभालने गए, खुद वो कमेटी में और नई कमेटी बनाकर उन्होंने नए तरीके से बंगाल में BJP के लिए अब मिशन की तैयारी शुरू कर दी। अब जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब इसलिए क्योंकि अमित शाह खुद अब बंगाल में रहेंगे, बंगाल का मोर्चा उन्होंने अपने हाथ में रखा है और एक नई टीम के साथ वो बंगाल में अब जुटेंगे और 35 का लक्ष्य लेकर ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए अमित शाह बंगाल में उतर चुके। तो ये अमित शाह की वह रणनीति है जिससे ममता बनर्जी जो है वो परेशान है और अब कैसे इसका काउंटर करना है इस पर विचार किया जा रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK News। नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।